नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। हम पहुंचे हैं पालम में और पालम में एक नए हॉस्पिटल की शुरुआत हुई है जिसका नाम है मलिक हॉस्पिटल। मलिक हॉस्पिटल की खास बात यह है कि ये हॉस्पिटल समाज सेवा पर ज़्यादा ध्यान देता है और अर्निंग पर कम। हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर ताहिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हाल ही में हॉस्पिटल का उद्घाटन भी हुआ है और डॉक्टर मलिक से जानते हैं कि क्या कुछ हॉस्पिटल की खासियत रहेगी और कैसे इस हॉस्पिटल के ज़रिए ये गरीबों की, समाज के पिछड़े वर्ग की सेवा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मलिक। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हॉस्पिटल के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, अब जो हॉस्पिटल की आपने शुरुआत की है, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं पालम में, तो यहाँ मलिक हॉस्पिटल में क्या कुछ स्पेशल है? देखिए सर, जैसा कि मुझे आप लंबे समय से जानते हैं, मेरा एक सपना था कि मलिक हॉस्पिटल 50 बेड का मैंने जो बनाया है, वो इसलिए बनाया था कि पालम के अंदर बहुत अच्छे हॉस्पिटल हैं, अच्छी सुविधाएं हैं, मगर कुछ पेशेंट को ये लगता है कि उनके चार्ज ज़्यादा हैं, तो उनसे कम चार्ज रखते हुए मैंने यहाँ पर सुविधा दी है। मलिक साहब, अगर बात करें स्पेशलिटीज़ की, क्या कुछ स्पेशलिटीज़ यहाँ पर मरीजों को मिलेंगी आने वाले टाइम पर? देखिए सर, ये मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पर MBBS, MD मेडिसिन, सर्जन डॉक्टर सब अवेलेबल है। अभी हाल ही में आपने इसका उद्घाटन समारोह भी रखा था, कौन कौन लोग आए थे, कैसा लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा था? सर, यहाँ पे काफ़ी फैंस थे, काफ़ी पेशेंट थे, काफ़ी मेरे प्यारे दोस्त थे, और यहाँ पे सीमा पंडित जो नगर पार्षद हैं वो आई थी, उनका सर पे मेरा प्यार था। तो आप लंबे समय से हम आपको देख भी रहे हैं, आप देसी दवाखाना चलाते थे, अब जो है आपने एक शानदार हॉस्पिटल की शुरुआत की है। मलिक साहब, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, क्योंकि आपको लंबे समय से मैं देख रहा हूँ आप सक्रिय हैं हेल्थ केयर में, तो कैसे आपको प्रेरणा मिली? जब मैं आयुर्वेदिक दवाखाने पे फ्री हेल्थ चेकअप का कैंप करता था, तो वहाँ लोगों का सपना था कि आप अपना एक हॉस्पिटल बनाएं, तो मेरा सपना 5 साल से था ये, जो कि परमात्मा ने ये सपना मेरा पूरा किया। इतना बड़ा आपने हॉस्पिटल खोला है, किसी का सहयोग रहा, किसी को आप श्रेय देना चाहेंगे? बस सर, अपने परिवार वालों का, अपने दोस्तों का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे बड़ा प्यार दिया है, जिसकी वजह से मैं इतना बड़ा हॉस्पिटल को बना के आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। अब जो लोग देख रहे हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि किस तरह के डॉक्टर्स रहेंगे, कितने रुपए भी डॉक्टर रहेंगे, कितना प्रोफेशनल स्टाफ यहाँ पर मिलेगा उनको? सर, यहाँ पर 50 बेड पर 50 स्टाफ हमने रखे हैं, यहाँ पर 10 डॉक्टर हमारे पास अवेलेबल MD मेडिसिन डॉक्टर हैं, जो कि यहाँ पेशेंट को देखेंगे, और सुविधा इसमें इमरजेंसी 24 घंटे की रहेगी, और पैनल वगैरह भी कुछ आपने इसमें रखा है? सर, इसमें ना 50 बेड पे मल्टी स्पेशलिस्ट पे नए शुरुआत पे सारे पैनल मिल जाते हैं, तो इसमें सारे पैनल रहेंगे सर। सारे पैनल रहेंगे जी सर। कोई और मैसेज आप देना चाहेंगे दर्शकों, क्योंकि वो क्यों मलिक हॉस्पिटल पर भरोसा करें? सर, मेरा बस यही संदेश है उन लोगों से कि जैसे उन्होंने मेरे साथ में पहले भी कुछ पेशेंट हैं जिन्होंने इलाज देखा है और पैसे को लेकर भी डील की है, तो वही प्यार मेरा पहले था, वही प्यार मेरा अब रहेगा। और कभी ऐसा लगे किसी पेशेंट को कि हमारे पास पैसे की प्रॉब्लम है, इलाज में दिक्कत आ रही है, तो वो अपना परिवार समझ के, अपना हॉस्पिटल समझ के एक बार आए, मैं उसको पूरी सुविधा दूंगा। चलिए, कहाँ पर स्थित है ये एक बार बता दीजिए सर। यह है पालम थाने के पास, मलिक हॉस्पिटल। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही हॉस्पिटल के ज़रिए वो गरीबों की सेवा करते रहेंगे, समाज के पिछड़े वर्गों का इलाज करते रहेंगे। इसके साथ ही सुंदर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार हॉस्पिटल की, और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।